कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के आप हमारे CGPSC ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। एक और जानकारी है आप लोगों के लिए, CGPSC ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी का एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। CGPSC प्री व्यापम बैच 2024-25, ये बैच आपका शुरू होगा 15 मई 2024 से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लंबा समय दिया गया है, अभी आपका मार्च चल रहा है, मई में आपका 15 मई 2024 से ये बैच शुरू होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके हमारे मोबाइल ऐप CGPSC ई पाठशाला के को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीट के साथ ये बैच आपका शुरू होगा, तो समय रहते आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिन स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, 15 मई 2024 से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगी। इससे रिलेटेड और जानकारी कल एक और वीडियो आएगा छत्तीसगढ़ GS बैच का, कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, कितनी टाइम ड्यूरेशन में कवर कराया जाएगा, पर वीडियो का लेंथ कितना होगा, ये कल के डेट में एक आपका पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, ये अगर कोई आपकी इंक्वायरी हुई तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पर। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड है जो कि आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, पहले समझ लीजिए। देखिए, एक होता है आपका स्थिर कीमत, स्थिर कीमत, स्थिर कीमत लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपका स्थिर भाव लिखा हुआ मिलेगा, और एक होता है आपका प्रचलित कीमत, प्रचलित कीमत, या फिर प्रचलित भाव या प्रचलित मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य, स्थिर कीमत, स्थिर भाव, प्रचलित कीमत, प्रचलित मूल्य, प्रचलित भाव, ये दो वर्ड जो है आपको पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में बार बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब ये स्थिर कीमत क्या होता है, प्रचलित कीमत क्या होता है, पहले आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसे पहले सुन लीजिए, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले स्थिर कीमत, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाता है तो उसे स्थिर कीमतों पर गणना कहा जाता है। ध्यान समझना क्या बोल रहा है, एक वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, सर्विस, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष, आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाता है तो यह स्थिर मूल्य पर गणना कहलाएगा। दूसरा डेफिनेशन, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है तो इसे प्रचलित कीमतों पर गणना कहा जाता है। जैसे कि इसके लिए है आपका 2023-24, ठीक, ध्यान समझना।
क्या बोल रहा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, यानी कि जो हमारे भारत देश है, भारत का नक्शा आपने देखा है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उसके भीतर किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम फाइनल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के कीमतों पर किया जाता है, तो इसे जो है स्थिर कीमतों पर गणना कहा जाएगा। अब देखिए, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक शर्ट है जो कि कॉटन का शर्ट है, ठीक है, कपास कॉटन का शर्ट है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में जाकर के कपास को कलेक्ट किया गया होगा, उसके बाद उस कपास से धागा बनाया गया होगा, धागा बनाने के बाद उसे बुन करके जो है आपके बड़े बड़े कपड़ों के थान बनाए गए होंगे, फिर थान से कपड़े की कटिंग की गई होगी, टेलर इस कपड़े को सिला होगा, तब जाकर के मार्केट में एक फाइनल प्राइस के साथ ये शर्ट बिकने के लिए आया। तो खेतों से जो हमने कपास खरीदा या कपास खरीदने के बाद जो उसको उससे धागा निकाले, तो धागा निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ी होगी, कपास खरीदने की कीमत, धागा बनाने की कीमत, धागा से कपड़ा बुनने की कीमत, कपड़ा से कपड़ा बुन करके उसके थान बनाने की कीमत, थान से कपड़ा कटिंग की कीमत, कपड़ा कटिंग के बाद उसको सिलाई करने की कीमत, तो हर जगह जो है पैसा इंक्लूड है, ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री में तो आता नहीं है। आप अगर जो है धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी लागत, सॉरी, आपके कपास की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी लागत आएगा, फिर उसको उससे धागा बनाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ लागत आएगा, फिर धागा से उसको बुन करके कपड़ा बनाएंगे तो उसमें लागत आएगा, कपड़े के बड़े बड़े थान बनाएंगे उसमें कुछ लागत लगेगा, कपड़े के थान से उसकी कटिंग करके शर्ट बनाएंगे तो उसमें भी लागत आएगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि अंतिम वस्तु, ये जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो मार्केट में बिकने के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, उसे जो है इस मौद्रिक मूल्य की गणना में शामिल किया जाएगा, यानी कि कपास, धागा, कपड़े का थान, टेलरिंग, ये सारा इंक्लूड नहीं होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकने के लिए आया शर्ट, इसकी कीमत की गणना की जाती है इसमें मौद्रिक मूल्य में। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाए तो यह स्थिर कीमतों पर गणना कहलाएगा। इसके विपरीत किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाता है तो यह प्रचलित कीमत पर गणना कहलाएगा। अब देखिए, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, अगर आप देखेंगे आगे आर्थिक सर्वेक्षण में जब कभी डाटा पढ़ेंगे स्थिर कीमत के आंकड़े और प्रचलित कीमत के आंकड़े, तो अक्सर ये जो प्रचलित कीमत का आंकड़ा है ये आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है, दोनों की कीमत में फर्क रहेगा, एक तरफ आपको स्थिर कीमत के आंकड़े लिखा हुआ मिलेगा, एक तरफ प्रचलित कीमत के आंकड़े लिखा हुआ मिलेगा, और जहां कहीं पर भी आप कंपैरिजन करेंगे तो स्थिर कीमत का जो आपका प्रचलित कीमत का आंकड़ा है ये स्थिर कीमत से ज्यादा ही होगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है महंगाई। क्या है महंगाई, महंगाई देखिए इसमें आधार वर्ष क्या है 2011-12 और इसमें वर्ष क्या लिया गया है वर्तमान बाजार यानी कि 2023-24, तो 2011-12 में जो वस्तु की कीमत होगी वही कीमत आज 2023-24 में है क्या, नहीं है, ठीक है, जो 2011-12 में जो किसी वस्तु की कोई कीमत थी आज 2023-24 में उसकी सेम कीमत है क्या, नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये पेन मान लीजिए 2011-12 में ये पेन का मूल्य कितना था 10 रुपए, ठीक है, एक पेन है, इस पेन का 2011-12 में कीमत कितना था, ये था आपका 10 रुपए, ठीक है, जबकि 2023-24 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण हम 23-24 पढ़ रहे हैं, 2023-24 में इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य है मान लीजिए 25 रुपए, ठीक, पहले कितना था 10 रुपए, अभी कितना है 25 रुपए, कितना रुपए बढ़ गया 15 रुपए, इसकी कीमत क्या हुई बढ़ी, यानी कि 15 रुपए क्या हुआ महंगाई, ठीक है। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत में महंगाई का अंतर होता है, ठीक है, स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि प्रचलित कीमत महंगाई से प्रभावित होती है, ठीक। स्थिर कीमत के लिए जो आधार वर्ष निर्धारित किया गया है वो है 2011-12,
तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत में पहला अंतर क्या है कि जो स्थिर कीमत है इस पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और प्रचलित कीमत महंगाई से प्रभावित होती है। ठीक है, डेफिनेशन भी याद रखना, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 पे करे तो स्थिर कीमत पर मौद्रिक मूल्य की गणना कहलाएगी, जबकि प्रचलित जबकि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर करे तो यह क्या कहलाएगा, प्रचलित कीमत पर मौद्रिक मूल्य की गणना कहलाती है। समझ में आया, स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रचलित कीमत जो है यह महंगाई से प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए जो पेन है, पेन की कीमत 2011-12 में मान लीजिए 10 रुपये था, दो वर्तमान बाजार में कितना है अभी एट प्रेजेंट 25 रुपये है, कितना रुपये बढ़ा इसका कीमत, 15 रुपये इसकी कीमत बढ़ी, यानी कि 15 रुपये क्या हुआ, ये पेन महंगा हुआ। तो महंगाई का अंतर होता है दोनों में। ठीक, ये स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में बार बार आपको रिपीटेड मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझ जाइए कि स्थिर कीमत क्या होता है और प्रचलित कीमत क्या होता है। गवर्नमेंट अक्सर जो है स्थिर कीमत के आंकड़ों को ही अपने रेफरेंस में लेती है, क्यों, क्योंकि प्रचलित कीमत समय के साथ बदलते रहता है, ये स्थिर नहीं होता। ठीक है, प्रचलित कीमत में जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन स्थिर कीमत के आंकड़े चेंज नहीं होते। प्रचलित कीमत के आंकड़े बदलते क्यों हैं, क्योंकि ये महंगाई से प्रभावित हो रहा है, स्थिर कीमत के आंकड़े स्टेबल रहते हैं क्योंकि महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कोई भी अगर डाटा उठाएगा वो स्थिर कीमत के ही आंकड़ों को उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक प्रश्न पूछा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना है। अब उसमें ना ही स्थिर कीमत दिया है और ना ही प्रचलित कीमत क्वेश्चन में दिया है, तो आप हमेशा प्रिफरेंस किसको देंगे, आप हमेशा प्रिफरेंस देंगे स्थिर कीमतों को। ठीक है, अगर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, ना ही स्थिर कीमत पूछा ना ही प्रचलित कीमत पूछा, सिंगल एक क्वेश्चन दे दिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक वृद्धि दर या विकास दर कितना अनुमानित है। तो अगर उसमें कोई कीमत मेंशन नहीं किया है प्रश्न में, तो उसमें आप हमेशा स्थिर कीमत के भाव को लेते हुए चलेंगे। बाकी अगर प्रश्न में पूछा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, तो वो आप आसानी से अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो आप स्थिर कीमत के आंकड़ों को लेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं डिटेलिंग। सबसे पहले अर्थव्यवस्था विकास दर 2023-24 स्थिर कीमतों पर। भारत का जो आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित है वो है आपका 7.32%, 7.32%। बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें अगर नज़र नहीं आ रही होगी तो YouTube के वीडियो क्वालिटी को 720p 720 पिक्सल पर करके देखिए, चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी। हो सकता है ये कुछ चीज़ें यहाँ पे छोटी दिखे, इसके साथ साथ जो हमारा ये जो जितना भी कंटेंट मैं आपको बोर्ड पर स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ही उठा करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है, आप बुक को भी उठा करके देखेंगे तो सारे आपका सीक्वेंस इसी फॉर्मेट में है। सॉरी, देखिए भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो है आपका 7.32% वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 7.32%। अगर हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर देखें तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर है आपका 6.56%, 6.56%। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित है, तो आंसर क्या होगा, 6.56%। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित है। इसमें स्थिर और प्रचलित कीमत कुछ नहीं दिया है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित है। अगर उसमें कोई भी आपका स्थिर प्रचलित नहीं दिया है तो आपका आंसर यही होगा। क्या बताया था मैंने, पहले प्रेफरेंस किसको देना है, स्थिर कीमतों के आंकड़ों को ही देना है। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ का एक शॉर्ट परिचय दिया गया है आपके अध्याय एक वाले टॉपिक में। छत्तीसगढ़ का परिचय, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल, बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पर डिटेलिंग दे दिया गया है अध्याय एक में। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,191 वर्ग किलोमीटर।
अगर छत्तीसगढ़ की विस्तार की बात करें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% हमारा छत्तीसगढ़ कवर करता है, ठीक है। 135,191 वर्ग किलोमीटर के साथ पूरे के पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% एरिया हमारा छत्तीसगढ़ कवर करता है। अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ अनुमानित है। अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो 59,772 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका वनों का क्षेत्रफल है, 59,772 वर्ग किलोमीटर, ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र। अब ये क्या होता है आगे हम वानिकी वाले चैप्टर में देखेंगे। वनावरण के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश में चौथे स्थान पर है फॉरेस्ट कवर के मामले में, और कृषि कार्य में संलिप्त जनसंख्या है 70%, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी की 70% आबादी कृषि कार्य में संलिप्त है, ठीक, कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ये कुछ बेसिक आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहां पर लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से देखिए इस 40.10 लाख कृषक परिवार में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक के अंतर्गत आते हैं। इसे भी हम कृषि वाले चैप्टर में देखेंगे कि लघु कृषक क्या होते हैं, सीमांत कृषक क्या होते हैं, ठीक है, दीर्घ कृषक, मध्यम वर्गीय कृषक क्या होते हैं, आगे हम डिटेलिंग देखेंगे। यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ में 40.10 लाख कृषक परिवार है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए एक है आपका मातृत्व मृत्यु दर और एक है आपका शिशु मृत्यु दर। अगर आप देखेंगे तो मातृत्व मृत्यु दर जो है ये प्रति लाख में दिया गया है और शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में है। तो मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर होता क्या है, देखिए गर्भवती माताओं का प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है, ठीक। प्रसव के दौरान यानी कि डिलीवरी के समय गर्भवती माताओं के प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो आंकड़ा दिया गया है ये आंकड़ा है 2018-20 का, और जो शिशु मृत्यु दर है ये 2022 का आंकड़ा है, हाँ 2022 का आंकड़ा है। मातृत्व मृत्यु दर का आंकड़ा 2018-20 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018-20 का आंकड़ा दिया गया है। शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा है ये 2022 का आंकड़ा है। तो अगर हम मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो भारत का मातृत्व मृत्यु दर 97% है, ठीक है, 97% है, यानी कि प्रसव के दौरान 1,00,000 माताओं में से 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है, यह है मातृत्व मृत्यु दर। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 137% है, 137% यानी कि प्रसव के दौरान 1,00,000 माताओं में से 137 माताओं की मृत्यु हो जाती है, यह है मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है। अगर हम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड 2030 तक की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये जो आपका मातृत्व मृत्यु दर है इसे 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 137 है, इस 137 को आपका 2030 तक 100 से कम लाने का प्रयास किया जाएगा। शिशु मृत्यु दर, अगर हम भारत के शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या जो है ये आपका शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार है और आपके छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर ये 38 प्रति हजार है। इसे भी छत्तीसगढ़ का जो शिशु मृत्यु दर है इसे 15 से कम करने का प्रयास किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट लक्ष्य के अनुसार, ठीक, इसे याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019-21। ये जो आपका आंकड़ा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचकांक 5 जो कि 2019-21 के आंकड़े हैं। गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019-21, थोड़ा सा ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है ना काफ़ी हाईलाइटेड है, एग्जाम में हमेशा
इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। अब इसमें दिया गया शासकीय अस्पतालों में और संस्थागत, यहां बात हो रही है गर्भवती माताओं का प्रसव, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो अपनी डिलीवरी कहां कराती है। दो वर्ड यहां पर यूज होता है, एक होता है आपका परंपरागत और एक होता है आपका संस्थागत। परंपरागत का मतलब घरों में जो डिलीवरी करवाती है महिलाएं, बच्चों को जो घरों में जन्म देती है, और संस्थागत का मतलब अस्पतालों में। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो माताएं परंपरागत प्रसव क्या होता है, परंपरागत प्रसव का मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो गर्भवती माताएं हैं, वो घरों में बच्चों को जन्म देती है। जैसे कि आज भी ग्रामीण अंचलों में जो दूरस्थ आपका आदिवासी क्षेत्र है, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर क्या होता है, दाई माँ होती है, ठीक है, जो कि बच्चों के डिलीवरी कराने का ही काम करती है। तो जो गर्भवती माताएं घरों में जो डिलीवरी कराती है, जो घरों में जो बच्चों को जन्म देती है, वो परंपरागत प्रसव कहलाता है, ठीक, ट्रेडिशनल मेथड। और एक होता है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव यानी कि जो गर्भवती माता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, वो अस्पतालों में जाकर के जब अपना डिलीवरी कराती है, प्रसव कराती है, तो ये कहलाता है आपका संस्थागत प्रसव। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शासकीय अस्पतालों में लगभग 70% महिलाओं ने अपना प्रसव कराया, यानी कि डिलीवरी कराया, बच्चों को जन्म दिया। और अगर टोटल संस्थागत प्रसव का परसेंटेज देखा जाए तो यह है आपका 85.7%, यानी कि 85.7%। ध्यान समझना, यहां पर क्या बात हो रहा है, यह जो आंकड़ा है यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल भी दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और यह जो आंकड़ा है यह आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों दिया गया है। जैसे कि शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है, आपके शासकीय अस्पताल होते हैं। तो अगर हम केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की बात करें, शासकीय अस्पतालों की बात करें, तो लगभग 70% गर्भवती माताओं ने शासकीय अस्पतालों में अपना डिलीवरी कराया, यानी कि प्रसव कराया। और अगर ओवरऑल देखा जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल ओवरऑल, तो संस्थागत प्रसव का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 85.7% माताओं ने संस्थागत प्रसव कराया, यानी कि हॉस्पिटलों में जाकर के बच्चों का डिलीवरी कराया, ठीक है। अगर हम पिछले रिपोर्ट की बात करें, 2015-16 का रिपोर्ट आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, इसकी बात करें तो शासकीय अस्पतालों में पिछले रिपोर्ट में था आपका 55.9, और इस साल की रिपोर्ट से इसे कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा है। पिछले रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 में संस्थागत प्रसव था 70.2, अभी कितना है 85.7, तो ये भी ज़्यादा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने का प्रतिशत में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आपके प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, कमी आई है, या फिर आपका कोई वृद्धि, या फिर आपका न्यूट्रल, ऐसे आपका ऑप्शन दे सकता है, या कथन आधारित प्रश्न इसमें बन सकता है, ठीक है। आपका 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, उन 3-4 स्टेटमेंट में से एक आपका स्टेटमेंट दे देगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रतिशत में कमी आई है। तो कमी आई है बोलेगा तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12। जैसे कि मैंने बताया कि स्थिर कीमत के लिए आधार वर्ष क्या होता है, 2011-12 होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वित्तीय वर्ष दिए गए, वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, ये सभी के सभी आंकड़े किस पर है, ये सभी के सभी आंकड़े स्थिर कीमतों पर दिए गए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का GSDP 2018-19 में कितना था, 11.10%, 19-20 में 2.85%, 20-21 में -0.14%, ठीक है, 0.14%, 21-22 में 11.71%, 22-23 में 7.67%, और 23-24 में 6.56%।
अगर आप देखिए विगत छह वर्ष है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम बात करें विगत 6 वर्ष यानी कि पिछले 6 वर्षों में छत्तीसगढ़ का जीडीपी किस वर्ष सर्वाधिक रहा पूछा जाए तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये सर्वाधिक था। और सबसे कम कब था, उसके एक साल पहले 2020-21 में -0.14% यानी कि -0.14%। तो सर्वाधिक कम था और सबसे कम कब था इसे थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि स्थिर कीमतों पर, जो आपका जीएसडीपी के प्रमुख घटक होते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सभी के सभी जीएसडीपी के प्रमुख घटक है। तो अभी तो हमने देख लिया कि जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना है, 6.56%। अब इसकी जो आपके क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई 2023-24 में, तो यहां क्षेत्र दिए गए हैं कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, यहां पर अनुमानित अनुमानित प्रतिशत वृद्धि दिया गया है यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यह दिया गया है आपका विगत 12 वर्षों में वृद्धि यानी कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के 2023-24 तक औसतन कितनी वृद्धि दर्ज की गई। और यह है विगत 7 वर्ष का डाटा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे 2017-18 से लेकर के 2023-24 के मध्य। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है इसमें कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई वित्तीय वर्ष 2023-24 में। अब अनुमानित वृद्धि बोल रहा है मतलब इसमें कौन सा डाटा दिया गया है, 2023-24 का डाटा दिया गया है। तो 2023-24 से पहले क्या था, 2022-23। तो 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना से कंपैरिजन हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो मैं आपको टेबल बता रहा हूं ना, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल भर होने वाले हर एक एग्जाम में अगर आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया तो इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही। लगभग 90% पॉसिबिलिटी है कि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। और आप पहले कोई भी क्वेश्चन पर उठाकर देख लो, अगर इकोनॉमिक सर्वे से आया है तो इस टेबल से क्वेश्चन आता ही है। तो एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेना कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 3.23%, 3.23%, ठीक है। अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 2023-24 स्थिर कीमतों पर, मैं आपको लिख करके बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, स्थिर कीमतों पर या स्थिर भाव के लिए उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, तो वो है आपका 7.13%, 7.13%। सेवा क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, 5.02%। कृषि क्षेत्र का 3.23%, उद्योग क्षेत्र का 7.13%, सेवा क्षेत्र का 5.02%। सबसे पहले तीनों आंकड़े याद रखना, ठीक है। कुल आपका जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, 6.56%। कृषि क्षेत्र में 3.23%, उद्योग क्षेत्र में 7.13%, सेवा क्षेत्र में 5.02%, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड कॉलम पे, विगत 12 वर्षों में यानी कि 2012-13 से लेकर के 2023-24 के मध्य औसतन एवरेज, ठीक है, एवरेज कितना आपका वृद्धि हुआ है पिछले 12 सालों में, 12-13 से लेकर के 23-24 के मध्य। तो कृषि क्षेत्र में
4.90% की वृद्धि दर्ज की गई, कृषि क्षेत्र में 4.90% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उद्योग और उद्योग क्षेत्र में 7.36% और सेवा क्षेत्र में 5.37%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में 7.36% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 5.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगर 12 वर्षों का औसतन पूछ रहा है तो 12 वर्षों का औसतन कृषि क्षेत्र का 4.90%, उद्योग क्षेत्र का 7.36% और आपका सेवा क्षेत्र का 5.37%। अब एक टेबल दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है विगत 7 वर्षों में, यानी कि 2017-18 से लेकर के 2023-24 के मध्य पिछले 7 वर्षों में किस वर्ष कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, किस वर्ष में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। अब इसे हम देखेंगे, ये पिछले 7 सालों के आंकड़े हैं। ठीक है, 2017-18 से लेकर के 2023-24, यानी कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, तो 7 साल के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। तो विगत 7 वर्षों में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 2018-19 में कितने प्रतिशत की, 13.49% की। अच्छा, मुझे किसी ने व्हाट्सएप में कमेंट किया था, कोई स्टूडेंट है जिसने बुक परचेस किया होगा, उसके पास पिछले साल का ही बुक था, यानी कि अभी आर्थिक सर्वेक्षण का बुक कौन सा है, 2023-24 का बुक है। आपके पास जो फॉलो करते आ रहे हैं उनके पास 2022-23 का भी बुक होगा, उस बुक को उठा करके इस आंकड़े को कंपेयर करने की कोशिश मत करना। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था मुझे कि सर ये आंकड़े पिछले साल से मैच क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये आंकड़े कभी भी प्रीवियस ईयर के आंकड़ों से मैच नहीं होंगे, क्योंकि हर साल जब कभी भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है उसमें जो आंकड़े जारी होते हैं तो उस आंकड़ों के आधार पर पिछले आंकड़े संशोधित हो जाते हैं, रिवाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना के समय में आपका जो उद्योग क्षेत्र है वो नेगेटिव में था, माइनस में था, पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण को आपने पढ़ा होगा तो उसमें माइनस ना दे करके मिनिमम था लेकिन नेगेटिव नहीं था। तो जब कभी भी कोई भी नया आर्थिक सर्वेक्षण, ये आंकड़ा और ये 2022-23 और 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने पिछले बार जो है दूसरा वर्ष बताया था और यहां पर आंकड़ा दूसरा दिया गया था, ऐसे आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, जब कभी भी जो है नया आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें जो नए आंकड़े पब्लिश होते हैं, जैसे कि 2023-24 के आंकड़े पब्लिश हुए, तो उस आधार पर जो पिछले साल के आंकड़े हैं वो पूरे के पूरे संशोधित हो जाते हैं, रिवाइज्ड हो जाते हैं। कभी भी आप पिछले साल के आंकड़े से कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर भी डाउट हो तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का 400-450 पेज का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, उससे जाकर कंपेयर कर लीजिएगा अगर डाटा में फिर भी कोई डाउट हो तो। ठीक, 2018-19 के आधार पर सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई वो है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 में। प्रश्न पूछा जाएगा कि विगत 7 वर्षों में, यानी कि 2017-18 से लेकर के 2023-24 के मध्य किस वर्ष छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो वो है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13.49% की वृद्धि दर्ज की गई। और किस वर्ष वृद्धि ऋणात्मक रही, नेगेटिव में रही पूछा जाएगा, तो ये जो है 2017-18 में माइनस ऋण माइनस 10.90%, यानी कि ऋण 10.90% जो है ये कमी दर्ज की गई, और इसका कारण क्या था, इस वर्ष उत्पादन में कमी हुई। ठीक है, इस वर्ष सर्वाधिक क्यों हुआ, पिछले साल तक था कि सर्वाधिक उत्पादन हुआ करके। देखिए, मैं ना आर्थिक सर्वेक्षण में जबरदस्ती के कोई फैक्ट इंक्लूड नहीं करता जब तक आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया ना हो। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया था कि सर्वाधिक उत्पादन के कारण सर्वाधिक वृद्धि दर रहा और उत्पादन में कमी के कारण ऋणात्मक रहा, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में इसका कोई भी रीजन नहीं दिया गया है। ठीक, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका टेबल है, इस टेबल में पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में इस टेबल के नीचे, सेवा के नीचे एक और टेबल हुआ करता था जीएसडीपी का, जिसमें जीएसडीपी कितना है,
उसमें पिछले 12 सालों में कितने प्रतिशत की औसतन वृद्धि दर्ज की गई है, सर्वाधिक कब था, न्यूनतम कब था। लेकिन इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो बीच वाला जो है, यानी कि विगत 12 वर्षों में जीएसडीपी में औसतन वृद्धि कितनी हुई है, ये दिया नहीं गया है, तो उसे मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। मैं अपने से तो एवरेज निकालूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आंकड़ा जो है आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए जो चीज़ें आपके दी गई है ऑफिशियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे में, वही चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। तो अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई, तो वो 2018-19 में। ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई, 2017-18 में। याद करने में दिक्कत नहीं होगा, सर्वाधिक कब है, 2018-19, उसके एक साल पहले ऋणात्मक 17-18, ठीक है, 18-19 17-18 या 17-18 में ऋणात्मक, 18-19 में धनात्मक या सर्वाधिक, ठीक। अब हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र का, तो उद्योग क्षेत्र में पिछले 7 सालों में, उद्योग क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में, 7 वर्षों में यानी कि 2017-18 से लेकर के 2023-24 के मध्य, विगत 7 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 2021-22 में, कितना, 16.32%, 16.32%, जबकि न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई 2019-20 में 2.27%, क्योंकि ये क्या था, यहाँ था आपका कोरोना लॉकडाउन का समय था, ठीक। तो जब मैंने 2021-22 या 22-23 का जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था, तो ये आंकड़ा ऋणात्मक था, क्या था, ऋणात्मक, निगेटिव में था। यहाँ अभी मैंने क्या लिखा है, ऋणात्मक नहीं लिखा है, क्या लिखा है, न्यूनतम, मिनिमम। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण जब मैंने आपको 22-23 पढ़ा था, तब वहाँ पर यह आंकड़ा ऋणात्मक में था, माइनस 0. कुछ था, जीरो से कम था, ठीक है, माइनस निगेटिव में था। तो क्या होता है, जब कभी भी आपके साल बढ़ते जाते हैं, नए आंकड़े आते हैं, तो पिछले आंकड़ों को रिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पिछले 7 सालों में आपका सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई उद्योग क्षेत्र में, तो 2021-22 में 16.32%, और सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई आपके 2019-20 में 2.27%। कारण क्या था, कोरोना लॉकडाउन। अब अगर हम सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो पिछले 7 सालों में 2017-18 से लेकर के 2023-24 के मध्य, पिछले 7 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 2019-20 में, कितना, 11.13%, 11.13%, जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई 2020-21 में, कितना, माइनस ऋण 4.64%, -4.64%। कारण क्या था, कोरोना लॉकडाउन, ठीक है। तो इन सभी आंकड़ों को थोड़ा याद कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, पिछले 7 सालों के आंकड़े, 12 साल का औसतन, अनुमानित वृद्धि दर 2023-24 का, इन सभी को आपको याद रखना है। जीडीपी का आपको याद रखना है कि सर्वाधिक किस वर्ष जो है आपका वृद्धि दर रहा, सबसे कम किस वर्ष आपका वृद्धि दर रहा, इन सारे चीज़ों को आपको याद करना है। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है, इसमें पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का एक ओवरव्यू दिया जाता है। ओवरव्यू का मतलब, पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण में 16 चैप्टर होते थे, एक और चैप्टर इस बार ऐड किया गया है, 17वां चैप्टर, सतत विकास लक्ष्य छत्तीसगढ़ करके, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो जितने भी आपके 17 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक एक दो दो लाइन का फैक्ट अध्याय एक में शामिल किया जाता है, एक ओवरव्यू के तौर पर, कि पूरे के पूरे आपके बुक में इस आर्थिक सर्वेक्षण का समरी क्या है, सारांश क्या है, बताने के लिए। अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में आपको वानिकी से रिलेटेड फैक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, खनिज से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड, लोक वित्त से रिलेटेड, पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के हर एक चैप्टर का एक एक दो दो लाइन का फैक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन उस फैक्ट को मैं अभी आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि जैसे जैसे हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल करके बताऊंगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, और ज़बरदस्ती आंकड़े बढ़ाने से मतलब नहीं है। जितने आंकड़े मैंने आपको बताया, उन सभी आंकड़ों को याद रखिएगा, स्पेशली इस टेबल को, कृषि क्षेत्र उसका अनुमानित वृद्धि दर 2023-24 के लिए, 12 सालों का औसतन, 7 सालों के कहाँ कब आपके सर्वाधिक रहा, कब आपका न्यूनतम रहा, ये पूरे के पूरे जीएसडीपी के टेबल को याद रखिएगा, किस वर्ष सर्वाधिक रहा, किस वर्ष न्यूनतम रहा,
कि आपका संस्था, आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े को याद रखिएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिपोर्ट को याद रखिएगा, भारत का आर्थिक विकास दर कितना है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना है, इन सभी आंकड़ों को आपको याद करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट वाला बुक मार्केट में अवेलेबल है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का। आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जाकर ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जा करके इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। बार बार आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट जनवरी के महीने में जागे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण लेना है, और आर्थिक सर्वेक्षण मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा चीज़ है जो कि आपको पूरे के पूरे साल भर काम आएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण अगले साल जब तक बजट पेश नहीं होता तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है, और आपको आंकड़े यही पढ़ने हैं, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आगामी किसी भर्ती परीक्षा के हिसाब से हो। तो इसे पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं।